नमस्कार, मैं साधना और एक नई रेसिपी के साथ साधनास किचन में आपका स्वागत है। तो आज साधनास किचन में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ इंस्टेंट सांभर की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं कुकर में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो तेल हो गया है गरम और अब इसमें मैं डालूंगी भिंडी। भिंडी को हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी चिपचिपी होती है। फ्राई करने से क्या होता है, इसका स्लाइमीनेस जो होता है वो दूर हो जाएगा। और मुझे सांभर में भिंडी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब भी मैं सांभर बनाती हूँ तो भिंडी तो ज़रूरी डालती हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी सांभर में डाल सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें कुछ सेलेक्टेड सब्जी ही सांभर में इस्तेमाल करनी है। आपको जो सब्जी अच्छी लगती है उसी को डाल के सांभर बनाइए। तो ये देखिए हल्की सी फ्राई हो गई है और इसका जो चिपचिपापन होता है, हल्की सी लिबलिबी होती है, तो वो भी दूर हो गया है। और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इतने में इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो भिंडी फ्राई करके हमने कुकर से निकाल ली है और इसी कुकर में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तो तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों के दाने। तो सरसों के दाने चटक गए हैं और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग। तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी महीन कटा हुआ प्याज। तो ये मैंने लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और इसे मैंने महीन काट लिया है। और इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज और लिया है, इसे मैंने लंबा लंबा काटा है, इसको भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये लाइट पिंक हो गया है। और इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ और बाकी का प्याज हम इस जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ही फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो टमाटर अच्छे से मैश हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। तो ये मैंने ली है 4 से 5 हरी मिर्च ली है और इसे मैंने बीच से स्लिट कर दिया है। और इसी के साथ मैं इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दूंगी। तो ये मैंने ली है मूली, ये मैंने ली है थोड़ी सी लौकी, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बैंगन भी लिया है और इसके बाद फ्राई की हुई भिंडी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इन सारी सब्जियों को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसी बीच हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो ये मैंने ली है 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। तो आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। अगर आपको तीखा चटपटा सांभर पसंद है तो आप इसमें चिली की मात्रा बढ़ा लीजिए। और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला, इनको कर देंगे मिक्स। और अब इसमें मैं डालूंगी अरहर की दाल। तो मैंने 1 कटोरी अरहर की दाल ली थी और इसे मैंने धो के पहले से ही रख लिया था, इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो इस समय मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है
तो इसके बाद जब ये पक जाए, तो अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो आप इसमें गर्म पानी अलग से ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे कर देंगे मिक्स। और अब इसमें मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे, और 2 सीटी आने के बाद जब इसकी गैस खुद से निकल जाएगी, इसके बाद ही हम लिड को ओपन करेंगे। तो लीजिए 2 सीटी लग गई है और गैस भी खुद से निकल गई है, दाल भी अच्छे से पक गई है। और अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प और इसे कर देंगे मिक्स। तो लगभग ये तैयारी हो गया है, और अभी हम इसे क्या करेंगे कि 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और इसे कर देंगे मिक्स। तो लीजिए तैयार है घर में ही बहुत ही टेस्टी सांभर, वो भी झटपट तरीके से। तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स पर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। तो अगर आपको मेरी इंस्टेंट सांभर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।